आपको अगले वीडियो में बताया गया था कि 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सबसे पहले इसका खोज हुआ या इस शब्द को लिया गया कि प्रसार शिक्षा क्या है। उसके बाद बोर्हिम्स में 1894 में प्रारंभ किया कृषि से, उन्होंने प्रारंभ किया कृषि से कि इस कृषि को कैसे प्रसार किया जाए, कैसे जो है लोगों को बीच में ले जाए। उन्होंने बीज को, फर्टिलाइजर खाद को लोगों को, आज भी देखा जाए तो लोग गांवों को छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर रहे। अगर सभी लोग शहर की तरफ चले जाए तो गांव में कौन रहेगा, गांव में खेती कैसे होगी। तो सरकार जो है उस पलायन को रोकने के लिए अलग अलग तरीके की योजना बना रही है कि लोग रुके और जो है कृषि करे और लोगों के पास अनाज पहुंचाया जाए। इस तरह सरकार की बहुत सी योजना है, लोग जो है उस पर अमल भी कर रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं। इसलिए कहा गया है, इसलिए मैं आपसे कहा कि सरकार और जनता के बीच का ये सहयोग है, सरकार और जनता के सहयोग से ही इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ओपी दहामा के अनुसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि का रूप में परिभाषित किया गया है। दहामा के अनुसार आपको बता दें कि आपकी बेहतर तैयारी के लिए अपना होम साइंस एक एक टॉपिक जो है आपको देगा, वो एक एक बहुत बड़ी हम जो है आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम एक ऐसा वीडियो देंगे जो आपको हर एक वीडियो से हर एक क्वेश्चन मिलेगा किसी चीज।